हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकेंड गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट का एक इंटरफेस। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ CNE वर्कशॉप के बारे में। CNE वर्कशॉप का क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से नोटिस, क्या कौन सी चीज़ है रिलेटेड, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू CNE मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों CNE वर्क जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं CNE वर्कशॉप, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो 6-7 पॉइंट्स है, 6-7 नोट्स है। तो उसमें से जो फर्स्ट नोट है वो है कि जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, जो कंडक्ट करता है वर्कशॉप, वो हर दो महीने में सिर्फ एक ही वर्कशॉप वो कंडक्ट कर सकते हैं। वन वर्कशॉप एवरी 2 मंथ्स। सेकेंड इज जो ऑनलाइन CNE ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको हर 2 महीने बाद वो CNE वर्कशॉप अपना रिन्यू करना पड़ता है। मतलब वो रिन्यू करने के लिए उनको फीस, MNC की जो भी डिसाइडेड फीस है वो फीस का पेमेंट करने के बाद वो रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन देना ज़रूरी है। जो पार्टिसिपेंट्स है उनको सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ओनली सर्टिफिकेटेड जनरेटेड फ्रॉम MNC CNE सिस्टम, यानी कि MNC बार कोड, जो भी MNC का जो CNE सिस्टम है उसका ही कोड, MNC CNE सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया सर्टिफिकेट ही वैलिड किया जाएगा। और वो ही तभी जाके स्टूडेंट को रिस्पेक्टिव क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकता है। सो इट शुड कन दैट वो सर्टिफिकेट पे MNC बार कोड होना चाहिए, सो तभी जाके वो स्टूडेंट्स को क्रेडिट पॉइंट मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज जो भी ऑर्गेनाइजर्स है जो भी, तो लाइक एज पर द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल विच वॉज डेटेड ऑन 20th February 2017 एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें से जो भी CNE वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इट शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ MNC। और जब ये गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे तब ही उस स्टूडेंट को MNC के क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, या फिर तभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको या फिर वो वर्कशॉप इट विल कम अंडर द क्रेडिट पॉइंट्स बाय MNC। और ये 18th March 2017 से आ चुका है इनटू द अफेक्ट। सो नेक्स्ट थिंग, लास्ट जो नोट है CNE ऑर्गेनाइजर्स के लिए, जो भी अप्रूव्ड CNE वर्कशॉप से उनको क्रेडिट पॉइंट्स अवॉइडेड बाय MNC विल बी डिस्प्लेड ऑन MNC वेबसाइट। जो भी क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं अप्रूव्ड CNE वर्कशॉप्स को, उस वर्कशॉप में लाइक उनके जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो MNC के, यानी कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सो अभी CNE पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो CNE पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्या नोट्स है, 3 नोट्स है। फर्स्ट थिंग, जो भी नर्सेस है जो इंडिया में रहते हैं उनको साल भर में 5 में से सिर्फ एक ही CNE पॉइंट एवरी ईयर वैलिड किया जाएगा ओनली। जो भी और नेक्स्ट जो इंटरनेशनल या इंडिया से बाहर रहते हैं उनको 5 में से 5 CNE पॉइंट वैलिड, यानी कि 5 में से 5 CNE पॉइंट दे दिए जाएंगे। और नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो पूरे CNE मतलब एक वीक में सिर्फ एक ही बार CNE के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे CNE ऑर्गेनाइजर्स के लिए और CNE पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये था CNE का शेड्यूल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।